नोमेरिकल सिक्स लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग जब भी ग्रेटिंग का लफ्ज आ जाए तो हमने कौन सा फार्मूला लिख लेना है डी साइंसिटा इज इक्वल टू एम लमडा लिया ये भी क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह है विच हैज़ टू फिफ्टी लाइन्स पर मिलीमीटर फाइंड द वेव लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच डेविएशन इन सेकेंड ऑर्डर इज ट्वेल्व डिग्री तो ये है हमारे पास एक डिफरेंशियल ग्रेटिंग इस दफा टू फिफ्टी लाइन्स पर एम एम वाली है तो गिवन हमारे पास क्या कुछ है ग्रेटिंग लाइन्स एन कैपिटल एन इज इक्वल टू टू फिफ्टी लाइन्स पर एम एम इसको कैपिटल एन कहते हैं जो नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स होती हैं सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम यानी एम इज इक्वल टू टू डेविएशन एंगल थीटा गिवन है ट्वेल्व डिग्री और वेव लेंथ ऑफ लाइट लेमडा हमने मालूम करनी है अब देखें हमें कैपिटल एन तो गिवन है जो कि डिफरेंशियल ग्रेटिंग की वैल्यू है तो इस हम लोगों ने डी निकालना होता है क्योंकि फार्मूले में तो स्मॉल डी है तो वो हम किस तरह निकालते हैं डी इज इक्वल टू वन ओवर एन इज इक्वल टू वन ओवर टू फिफ्टी मिलीमीटर इससे क्या वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर तो ये हम लोग लिख देते हैं स्लेट कैप डी इज़ इक्वल टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर तो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर को अगर हमने सिर्फ फोर लिखना हो तो क्या बन जाएगा फोर इंटू टेन माइनस थ्री और जो बताते खुद मिलीमीटर का एम है मिली उसकी भी वैल्यू होती है टेन स्क्वा माइनस थ्री तो वो भी ऊपर माइनस थ्री हम लोग कर दिया और मीटर इज इक्वल टू फोर इंटू टेन माइनस सिक्स मीटर अब हम लोग रेडी हैं सोलूशन करने के लिए सबसे पहले डिफ्रेक्शन क्रिएटिंग इक्वेशन का फार्मूला लिख लेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा एम लेमडा इज ईक्ल टू डी साइन थीटा इस तरह कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को लेमडा चाहिए लेमडा फाइंड आउट करना है तो वो लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं एम की वैल्यू है टू तो ये हो गया टू लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा डी की वैल्यू है फोर इंटू टेन एस माइनस सिक्स और साइन थीटा मतलब साइन ऑफ ट्वेल्व डिग्री अब ये देखिए लेफ्ट साइड पर टू है इक्वेशन के राइट साइड पर फोर है तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं ठीक है फोर की जगह सिर्फ टू हो जाएगा अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा टू इंटू ट्रेन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ ट्वेल्व की वैल्यू है पॉइंट टू जीरो सेवन नाइन कैलकुलेटर से, ना से। लेमडा इज इक्वल टू पॉइंट टू जीरो सेवन नाइन मल्टीप्लाई बाई टू से, से हमारे पास आ जाएगा पॉइंट फोर वन फाइव एट मल्टीप्लाई बाई माइनस सिक्स पॉइंट फोर वन फाइव एट की जगह हम लोग फोर वन फाइव एट कर दें तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा ट्रेंसफर माइनस फोर से और ट्रेंसपर माइनस सिक्स तो ऑलरेडी मौजूद है अगर इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर वन फाइव एट मल्टीप्लाई बाई माइनस टेन मीटर्स ये हमारा आंसर है लेकिन एक आखिरी बात कि माइनस टेन मीटर्स का मतलब होता है तो कहीं कहीं पे ये भी चीज आपको गिवन हो सकती है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट एक्सपीरियंस